गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो कक्षा 6 की वर्कशीट आई है आज 27 अगस्त 2021, विषय है साइंस, अध्याय रहेगा भोजन के घटक और टॉपिक है अभावजन्य रोग। तो पहला प्रश्न है अभावजन्य रोगों से आप क्या समझते हैं। तो हमारे भोजन में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों के अभाव के कारण विशिष्ट रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार भोजन में लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होने वाले रोग अभावजन्य रोग कहलाते हैं। और ये पहला प्रश्न था। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही आपके लिए ये वीडियो लाभदायक है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आप साथियों लाइक में कंजूसी कर देते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो हमने पूरा ही लिख दिया है, बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। फिर बी है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है, जो अंडरलाइन की हुई है, ये खाली जगह है। फिर है अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना रिकेट्स रोग का लक्षण है। भोजन में लौह तत्वों की कमी से अरक्तता उत्पन्न होती है। फिर तीसरा प्रश्न है प्रोटीन की कमी से होने वाले अभावजन्य रोग कौन से हैं। तो भोजन में प्रोटीन की कमी से व्यक्ति की वर्दी रुक जाएगी, चेहरे पर सूजन आ जाएगी और बालों का रंग उड़ जाएगी और चेहरे पर सूजन आ जाएगी आदि अभावजन्य रोग के जो ये प्रोटीन की कमी से इसके लक्षण हैं। फिर चौथा प्रश्न है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो साथियों आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। तो इस रोग के लक्षण हमने लिखे हैं, इस रोग से गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है एवं बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है। तो इस तरह से ये आज के जो कक्षा 6 का विज्ञान विषय का होमवर्क था उसके महत्वपूर्ण 4 प्रश्न थे। और बच्चों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।